नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मॉनसून सत्र इस बार महिलाओं सदस्य के लिए यादगार रहने वाला है। विधानसभा सत्र में इस बार एक दिन सिर्फ महिलाओं के नाम होगा। 22 सितंबर को महिला विधायकों के लिए विशेष सत्र होगा। सत्र में यह पहली बार है जब इस तरह की पहल की जा रही है। 22 सितंबर को प्रश्नकाल के बाद सिर्फ महिला विधायकों को बोलने का मौका मिलेगा, उनकी बात पूरा सदन सुनेगा। इस दिन महिलाओं की शिक्षा, उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा, सामाजिक आर्थिक स्थिति के साथ ही लैंगिक भेदभाव और सरकार के प्रयास में आ रहे बदलावों पर भी सदन में चर्चा होगी। जाहिर है, जहां सत्ता पक्ष के विधायक केंद्रीय और राज्य की योजनाओं से महिलाओं को होने वाले लाभ पर अपनी बात रख सकती हैं, तो वहीं विपक्ष की महिला विधायक जो हैं, उनकी नजर महिला सुरक्षा और महिलाओं के खिलाफ अपराध पर होगी। पहली बार इस तरह का मौका होने की वजह से इसकी तैयारी की जा रही है। हालांकि इसका प्रारूप अभी सामने आना बाकी है, लेकिन इसमें महिला विधायकों को तय विषय पर बोलना होगा। उत्तर प्रदेश की सियासत में अभी से 2024 की राजनीति बिसात बिछाए जाने लगी है। सपा से नाता तोड़कर अलग हो चुके सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की बीजेपी के साथ नजदीकियां बढ़ने लगी है। मंगलवार को देर रात राजभर अपने बेटे के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले। राजभर ने एक तरफ अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, तो दूसरी तरफ योगी के साथ मुलाकात कर रहे हैं। ऐसे में सूबे में सियासी चर्चा तेज हो गई है कि राजभर क्या फिर से बीजेपी से हाथ मिलाएंगे। सीएम योगी से मिलने को भले ही शिष्टाचार मुलाकात बताया जा रहा हो, लेकिन सूत्रों के मुताबिक आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर दोनों नेताओं के बीच बात हुई है। बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 में से 80 सीटें जीतने का टारगेट रख रखा है। बदायूं जिलाधिकारी एसएसपी के निर्देशों पर टॉप 10 अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की गई। इसको लेकर बदायूं की वजीरगंज थाना पुलिस ने विभिन्न धाराओं में गौकशी और गैंगस्टर में बांटे चल रहे 15,000 के नामी आरोपी को 315 बुर्तमंचा एक कारतूस सहित गिरफ्तार किया। अलीगढ़ के सराय मियां में बरसात की वजह से मकान का लेंटर अचानक गिर गया, जिसमें एक मजदूर दबकर घायल हो गया। घटना की सूचना पर इलाका पुलिस के साथ परिजन मौके पर पहुंचे, घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। मजदूर की हालत गंभीर होने की वजह से डॉक्टर ने उसे मेडिकल सेंटर रेफर कर दिया। सहारनपुर में जानकीपुर और आबकारी पुलिस की संयुक्त टीम ने फर्जी इनकम टैक्स ऑफिसर बनकर ठगी करने वाले दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 2 मोबाइल फोन और फर्जी आईडी कार्ड बरामद किए हैं। फर्जी अधिकारी यहाँ पे जनकपुरी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये फर्जी IRS अधिकारी अपने को बताता था, ज्वाइंट कमिश्नर इनकम टैक्स बता के अधिकारियों को धौंस देता था, वसूली करता था। इसने अपने साथ एक जेल कर्मचारी को भी वर्दी पहना के अपने गाड़ी में लेके चलता था। लोग इसके प्रभाव में आ जाते थे और समझते थे कि ये वाकई में इनकम टैक्स का अधिकारी है, और इसने लोगों को धमकी देके और वसूली करना शुरू कर दिया था। और कल एक वसूली की सूचना पे ही जनकपुरी पुलिस को जानकारी हुई, तो इसको फिर जब गिरफ्तार किया गया, पूछताछ हुआ, तो इसने पूरा मामला बताया। इसके पहले भी ये लोगों को फर्जी नौकरी लगवाने के नाम पे पैसा लेके जेल जा चुका है। 2 मुकदमे पहले से इसके ऊपर लिखा गया है। अलीगढ़ में नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई। मंगलवार को परिजनों ने थाना महुआखेड़ा पहुंचकर हंगामा किया। दरअसल 2 दिन पहले परिजन शिकायत लेकर पहुंचे थे, लेकिन थाने में टाल मटोल चल रहा था। वहीं गांव में भी समझौते के लिए दबाव बनाया जा रहा था। परिजनों ने बताया कि लड़की को पैसों का लालच देकर आरोपी नाबालिग के साथ गलत काम करता रहा। बताया जा रहा है कि लड़की प्रेग्नेंट हो गई और उसके बाद यहाँ पर उसका गर्भपात भी कराया गया। जब लड़की की हालत खराब हुई तो परिजनों को पता चला। सहारनपुर में पुलिस ने 5 घंटे में हत्या का खुलासा कर दिया है। घटना को अंजाम देने वाला हत्यारोपी पोते को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार हत्यारोपी सोन के कब्जे से आला कत्ल, रस्सी और मृतक का कुत्ता बरामद किया है। थाना नकुड़ के अंतर्गत ग्राम सड़ौली में कल दिनांक 19 सितंबर को सुबह पुलिस को सूचना मिली कि एक वृद्ध व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है उनके हाथे में, और इस सूचना पर पुलिस ने तुरंत अभियोग पंजीकृत करते हुए जांच शुरू की। पड़ताल में ये सामने आया कि इनकी हत्या इन्हीं के पोते के द्वारा, जिसका नाम सोनू है, उसके द्वारा की गई। और हत्या का मोटिव ये था कि इनके पास कुछ पैसे थे
जो इनका पोता चाहता था कि वो उनको दे दे, और ये मृतक चाहते थे कि उस पैसों को अपनी पोती की शादी में खर्च करें। कासगंज के बिलराम कस्बे में प्रेमी प्रेमिका का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची फोरेंसिक टीम साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है। वहीं मामले को लेकर डीआईजी दीपक कुमार ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, साथ ही परिजनों से बातचीत कर घटना की जानकारी ली। डीआईजी दीपक कुमार ने कहा है कि जांच चल रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्थिति साफ हो पाएगी। मथुरा के हनुमान नगर में हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा करते हुए युवक के दोस्त को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दरअसल मथुरा के कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वह युवक परिजनों ने उसके दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर घटना की जाँच शुरू कर दी है, आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। पीलीभीत नवागत जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लाक्षार ने पीलीभीत का चार्ज ग्रहण किया है। प्रवीण कुमार लाक्षार देर शाम पीलीभीत पहुंचे, जहां अफसरों के कलेक्ट्रेट परिसर में उनका स्वागत किया गया। अमेठी में दो बाइकों में जोरदार टक्कर हो गई, जिससे दोनों बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों की मदद से घायलों को सीएससी पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई, वहीं दूसरे युवक का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। चमोली में गढ़वाल सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक की, जिसमें मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, पीएम आवास, जल जीवन मिशन सहित कई केंद्रीय पोषित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। वहीं जिले में केंद्र पोषित योजनाओं की अच्छी प्रगति पर सांसद ने प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि आगे भी योजनाओं के क्रियान्वयन में गुणवत्ता और समयबद्धता का विशेष ध्यान रखा जाएगा, समय समय पर योजनाओं का निरीक्षण भी किया जाएगा। लेकिन जो हमारा केंद्र सरकार के द्वारा ऐसी पोषित योजनाएं और स्टेट गवर्नमेंट उन योजनाओं पे समीक्षा बातचीत और वो पूरा हुई कि नहीं हुई, जो भी योजनाएं समयबद्ध तरीके से पूरी हों और लोगों को उसका लाभ समय पे मिले, यह बातचीत हमारी रही है। और मुझे लगता है पिछली बार की बैठक में जो बिंदु आए थे और जिन विषयों को लेकर के विभाग और चर्चा, ऐसा इस समय उसकी समीक्षा, तो मुझे लगता है कि उसमें अधिकतर हमको सफलता मिली है। जोशीमठ में पाकिस्तान के पेशेवर में 48 सिख यात्रियों का जत्था हेमकुट साहिब पहुंचा है। पाकिस्तान सिख के पेशावर से आए जत्थे ने पवित्र सरोवर में आस्था की डुबकी लगाकर दरबार साहिब में मत्था टेका। आपको बता दें कि इस साल कोरोना काल के बाद रिकॉर्ड तोड़ सिख यात्री हेमकुट साहिब पहुंच रहे हैं। खटीमा के राजीव नगर में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट उधम सिंह नगर के निरीक्षक बसंती आर्य के नेतृत्व में सूचना के मुताबिक एक महिला के घर में छापे मारकर 3 महिलाओं तथा एक पुरुष सहित 4 लोगों को धर दबोचा गया। छापेमारी के दौरान 2 महिला तथा एक पुरुष आपत्तिजनक स्थिति में मिले। आपको बता दें कि काफी समय से राजीव नगर में अनैतिक कार्यों के धंधे को अंजाम दिया जा रहा था, जिसके वजह से आसपास का माहौल काफी खराब हो रहा था और बच्चों पर भी इसका प्रतिकूल असर पड़ रहा था। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।